धोनी के बयान पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पलटवार किया है। भगवंत मान ने यह कहा कि उन्हें पंजाब की जनता ने सीएम बनाया है। राहुल पर निशाना साधते हुए भगवंत मान ने कहा, चुने हुए सीएम को उन्होंने 2 मिनट में दिल्ली से बेइज्जत करके हटा दिया। पंजाब के होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने यह कहा था कि पंजाब के सीएम को किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं बनना चाहिए, और इसी के बाद भगवंत मान ने ट्वीट कर राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट करके आखिर राहुल गांधी को लिखा क्या, वो भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा, राहुल जी, पंजाब में आप उल्टा सीधा ना ही बोले तो अच्छा है। मुझे सीएम पंजाब की जनता ने बनाया है, और चन्नी जी को राहुल गांधी ने आपने 2 मिनट में चुने हुए सीएम कैप्टन साहब को दिल्ली से बेइज्जत करके हटा दिया था। यात्रा में पंजाब के अध्यक्ष को धक्के पड़ रहे हैं। आप बोलते बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। अच्छे नहीं लगते। और आपको बताएं कि पंजाब के होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब के सीएम भगवंत मान के ऊपर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने यह कहा था कि पंजाब को पंजाब से चलना चाहिए, पंजाब के सीएम को केजरीवाल जी के दबाव में नहीं आना चाहिए। ये पंजाब का इतिहास है और पंजाब की इज्जत की बात है। आपको यहाँ पर स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए, किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं बनना चाहिए। पंजाब को पंजाब से चलाना चाहिए, दिल्ली के दबाव में, केजरीवाल जी के दबाव में भगवंत मान को नहीं आना चाहिए, किसी का रिमोट कंट्रोल नहीं बनना चाहिए। और उधर पाकिस्तान में आटे के लिए मचा कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान के कई शहरों में इन दिनों 1 किलो आटे की कीमत 150 पाकिस्तानी रुपए को भी पार कर गई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के कई शहरों में आटे की बोरियां मारपीट की बड़ी वजह बन चुकी हैं। यही नहीं, वहां के लोग एक बोरी आटे के लिए सेना के जवान और पुलिस से भिड़ने में भी नहीं डर रहे। जिन्हें पाकिस्तान के ज्यादातर शहरों में सब्सिडी वाले आटे की बोरियों की सुरक्षा में लगाया गया है। इस बीच पाकिस्तान के एक इलाके से सामने आई तस्वीर ने वहां भुखमरी के हालात को एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। इस वीडियो में कई लोग अपनी मोटरसाइकिलों पर बैठकर एक ट्रक का पीछा करते दिखाई दिए। बताया गया कि उस ट्रक पर सब्सिडी वाले आटे की बोरियां लदी थी, जिन्हें पाने के लिए कई लोगों ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगा मानो वहां मोटरसाइकिल की रैली निकाली गई हो। और इस तरह की तस्वीरें पाकिस्तान में अब आम हो चुकी हैं, क्योंकि वहां इन दिनों गेहूं की भारी किल्लत है, लेकिन पाकिस्तान के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो विदेश से गेहूं मंगवा सके। और पाकिस्तान जैसी हालत एक और मुस्लिम आबादी वाले देश मिस्र की भी हो गई है। वहां भी रोटी के लिए हाहाकार मचा है। पाकिस्तान की तरह मिस्र में भी बढ़ती महंगाई से लोगों की थाली से रोटी गायब होती जा रही है। असल में मिस्र अपनी खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है, लेकिन खबर है कि यूक्रेन जंग की वजह से मिस्र की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा, क्योंकि जो विदेशी निवेशक मिस्र में कारोबार शुरू करने वाले थे उन्होंने जंग के बाद अपने हाथ खींच लिए। वहीं यूक्रेन युद्ध की वजह से गहराए गेहूं संकट का सामना मिस्र को भी करना पड़ा, क्योंकि वो ज्यादातर गेहूं आयात करता है। ऐसे में दुनिया भर में गेहूं के दाम बढ़ने का खामियाजा मिस्र को भी भुगतना पड़ रहा है। इसी वजह से वहां भी रोटी के लिए लोग इधर उधर भटक रहे हैं।